गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8th क्लास का कुछ टॉपिक डाला था, लास्ट टॉपिक था ये। जो 5-6 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है (8x + 3) = (27+3x). क्या करेंगे आप, x को x के साथ और अंक को अंक के साथ, यानी 8x - 3x = 27 क्लियर हो गया 3। यहाँ हो जाएगा बेटा 5x = 24, यानी x = 24/5। दिस इज आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है मैडिय। यहाँ पे क्या है 15, तो इसको इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा देखिए 15 - 4 - 2 - -9 + 5 + 6 = 0। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/, इसको इससे करेंगे 60 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 2/, और इसको इससे करेंगे बेटा +18, ठीक है, और इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 5/, और इसको हो जाएगा 30 = कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15/7 (15/-2/), यहाँ पर आ जाएगा 5/, ठीक है, यानी 15/2/2/, ठीक है, एक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, अंक को अंक के साथ, जितने भी अंक है अंक को अंक के साथ (0), बाई बाई के साथ यहाँ हो जाएगा। अब देखो प्लस को प्लस के साथ करेंगे तो हो जाएगा 20/-2/, और इसको बेटा करेंगे तो हो जाएगा 60+48 (0), इसको इससे बेटा करेंगे तो हो जाएगा 18/, इसको इससे बेटा करेंगे कितना हो जाएगा 12 (0), राइट। अब इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 18/ हो जाएगा 12, यानी 22 बेटा होगा 12 ऊपर और 18 नीचे, 4 6 = 8 यानी कि बेटा 2/2 आपका हो गया 3। ओके इट्स ओके। अगली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिए बेटा, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताऊंगा। 3 आपको बेटा ये है (x - 5/2) - (x - 3/5) बराबर हो गया 1/2। अब बेटा क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन होगा तो पहले बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बेटा होगा 2 × 5, इसको इसे करेंगे बेटा यहाँ हो जाएगा (x - 5) और यहाँ हो जाएगा बेटा 5, राइट माइनस, और बेटा इसको इसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा (x - 3) = 1/2। अब कुछ तो बेटा कट गए थे, बराबर होता है ना, दोनों को हम काट सकते हैं, इसको गुणा करो तो हो जाएगा 5x - 25 - 2x + 6 अब फॉर्म हो गया 5 = 1, राइट। अब x को एक साथ 5 को 2 से माइनस करो 3x हो जाएगा, और इसको इससे माइनस करो 19 आ जाएगा, अपॉन कितना हो गया 5 = कितना हो गया 1, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3x - 19 = 5, इसको उधर भेजो 3x = 5+19 कितना हो गया बेटा 24, यानी कितना हो जाएगा 3x, और मल्टीप्लाई को बेटा डिवाइड होता है, x = कितना हो जाएगा 24 ऊपर 3 नीचे, कितना हो गया आंसर 8। दिस इज आंसर, ओके सर है ना, ओके थैंक यू। कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को मेरे भाई, बहुत जरूरी है। यानी यहाँ हो गया 9x - 6x - 15, राइट। अब हम इसको इसे करेंगे और इसको इसे करेंगे तो 15 × हो जाएगा 7 - 6x = हो जाएगा 9x × 1, इसको इसे करो बेटा 15 + 105 - 90x = कितना हो गया 9x, ठीक है, x को उधर भेज दो तो यहाँ हो जाएगा 105 = हो जाएगा 9x + 90x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 99x, यानी हो जाएगा 105, एक्स इंटू कितना हो जाएगा 105/99, ठीक है, कितना से कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 × 9 = 15, अरे 3 × 3 से हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 35/33, दिस इज आंसर, ठीक है सर। आराम से एक स्टेप करना, जो नहीं आएगा कमेंट करना, और पीछे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अगले क्वेश्चन देखो, 5वां, 4x + 7/9 - 3x = 1/4, अब गुना करेंगे बेटा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो छः गुना इसका हो जाएगा 4x प्लस 7, क्योंकि 4 से गुना करेंगे इसको करेंगे 1 से, तो इसका हो जाएगा बेटा 9 माइनस 3x, ठीक है। इसको ऐसे करोगे हो जाएगा 16x, इसको ऐसे करोगे तो हो जाएगा 28, इसको ऐसे करोगे तो 9 माइनस 3x, x को एक से साथ 16x प्लस 3x, इसको हो जाएगा 9 माइनस 28, यानी x जितने भी x थे x के साथ कर दिए, अभी कितना हो गया 19x, यहाँ इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 19, राइट। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 19, ऊपर चला गया और नीचे खड़ दो कितना आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, आराम से नोट कर सकते हो, बिल्कुल एक स्टेप करके करना है। अब आते हैं छठा प्रश्न, 2 माइनस 7x अपॉन 1 माइनस 5x इक्वल टू 3 प्लस 7x अपॉन 4 प्लस 5x, इसको ऐसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे, 2 माइनस 7x और यहाँ करेंगे 4 प्लस 5x और बराबर हो जाएगा इसको इसे करेंगे 1 माइनस 5x और इसको इसे करेंगे 3 प्लस 7x, राइट। अब हम इसको इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो इसको यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस 5x और इसके हमारा 7x हो गया, इसको यहाँ रखोगे 4 प्लस 5x, कैलकुलेटर कितना हो जाएगा 1, इसको कॉमन लोगे 3 प्लस 7x, इसको कॉमन लोगे 5x, फिर कॉमन लोगे कितना आ जाएगा 3 प्लस 7x, राइट, हो गया ना। इसको गुना करोगे कितना आ जाएगा 8, इसको गुना करोगे 10x, इसको गुना करोगे 28x, इसको गुना करोगे माइनस 35x स्क्वायर, इसका टू इसको इसे गुना करो 3, इसको इसे गुना करो 7x, इसको इसे गुना करो 15x, इसको इसे करो माइनस 35x का स्क्वायर। देखो यहाँ बराबर है, बराबर में अगर इधर और उधर अगर दोनों संख्या में साइन मिल रहा तो काट सकते हो, माइनस मिल रहा है दोनों में और अंक भी मिल रहा है जिसको आप कट कर सकते हो, अगर साइन मिलता है और अंक मिल रहा है तो काट सकते हो। देखिए अब क्या करेंगे, एक्स को तो एक तरफ अंक को एक तरफ, सर इसको इधर लिखा दो 10x माइनस 28x, अब इसको इधर लिखा दो माइनस 7x और इसको भी इधर लिखा दो 15x, इसको कितना बचा 3 बचा और इसको इधर भेजो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, कोई कोई डॉट तो नहीं है, कितना हो जाएगा 15 10 कितना हो जाएगा 25x और ये कितना हो जाएगा 35x, इसका टू हो जाएगा माइनस 5, कितना हो जाएगा इसका माइनस 10x, इसका टू हो जाएगा माइनस 5, माइनस 5 कर जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बटे 10, 5 से 5 5 बटे 10 यानी 1/2, ठीक है, उतार सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हुई चीज़ की चीज़ में, तो मैं आपको मैथ बहुत अच्छे आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जब तक नमस्कार।